अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और फीडबैक का। मैं तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि ये मोहब्बत कायम रहेगी आपकी। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कज़न की वेडिंग में इस्लामाबाद अपने चचा के घर पहुँच गए हैं और हमारा सफ़र बहुत ही शानदार गुजरा। तो आज इस वीडियो के पार्ट टू के साथ हाजिर हैं। आज के ब्लॉग में हम शेयर करेंगे वहाँ होने वाले इवेंट्स और उनकी प्रिपरेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स में सबसे पहले ढोलकी और मेहंदी का इवेंट था। जिस दिन हम पहुंचे, इसी दिन इवेंट्स स्टार्ट हो गए थे। सब लोग घर सजाने में मसरूफ थे। दुल्हन के लिए स्टेज भी तैयार किया गया। बच्चे बड़े सब घर सजाने में मसरूफ थे। घर को बाहर से लाइटों से सजाया गया। दिन में तो इन लाइट्स का इतना पता नहीं चलता था, पर रात होते ही इतने इंतहा हसीन मंजर पेश कर रहा था। बच्चों ने इस इवेंट को बेइंतहा एंजॉय किया। इसके बाद शादी का इवेंट था। शादी का हॉल चाचा ने बहुत ही शानदार सिलेक्ट किया था, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और दुल्हा दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और रुखसती के वक्त मेरे बच्चे बहुत रोए और मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। शादी के अगले दिन वलीमे का फंक्शन था और ये हॉल भी नहायत ही शानदार था। खाना भी बेइंतहा लजीज था, जिसमें बारबेक्यू आइटम्स, मटन कढ़ाई और बिरयानी शामिल थी। तमाम इवेंट्स घर वालों ने बेइंतहा एंजॉय किए। ये थी मेरे कज़न की शादी की इवेंट्स अपडेट। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस्लामाबाद के कुछ सैर व तफरी के मकामात। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।